राम राम। मैं पंडित एस के मिश्र। हमारा आज का विषय है उदासी दूर करने की सबसे सरल और सटीक विधि सम्मोहन साधना के माध्यम से। इसे आप कर सकते हैं अपने ही घर पे, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, सबके लिए साधना बहुत ही आवश्यक है। अगर हमारे मन में कोई उदासी चली आ रही है तो जब तक हम उदासीनता को दूर नहीं कर लेते हैं हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे आगे बढ़ने का मार्ग ही अवरुद्ध हो गया हो। बहुत ही आवश्यक है कि हम अपने उदासी को बहुत शीघ्रतम दूर करें। उदासीनता का शिकार व्यक्ति निराशा से ओतप्रोत हो जाता है, उसके जीवन में कुछ नवीनता दिखाई देती ही नहीं है। उसको लगता है कि मेरा जीवन में अपना कुछ है ही नहीं है, अब सब कुछ खत्म सा हो गया है। आज मैं एक सबसे सरल और सटीक विधि आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसको आप अपने घर बैठ के या सो करके या लेट करके आप कर सकते हैं। करना क्या है आपको, अगर आप बैठ के करना चाहते हैं चेयर पर तो भी कर सकते हैं, अगर तख्त या पलंग पर सो के करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर आप बैठ के करना चाह रहे हो तो आपका मेरुदंड बिल्कुल सीधा होना चाहिए। रीढ़ की हड्डी, कमर की हड्डी, गर्दन की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। शरीर में कहीं कोई स्ट्रेस ना हो। आपका वजन आपके हिप पर होना चाहिए, न कि पैरों पर बैठना है आपको, ध्यान दीजिएगा। आपके शरीर का वजन आपके पैरों पर नहीं, हिप पर होना चाहिए। और अगर लेट के आप कर रहे हो तो बिल्कुल सरल भाव से लेट जाएं, पैरों में कम से कम एक फुट की दूरी हो और दोनों हथेली आपकी आसमान की तरफ ऐसे होनी चाहिए। और मानसिक रूप से अपने पूरे शरीर का अवलोकन कर लें सरसरी निगाह से, मतलब आंखों से नहीं देखना है आपको, आंखें बंद करना है और आपको अनुभव करना है अपने पूरे शरीर को, अपने शरीर के एक एक अंग को देखना है, नीचे से लेकर ऊपर तक और ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे शरीर का एक बार मानसिक अवलोकन करें। आपके शरीर में कहीं कोई स्ट्रेस नहीं हो, कोई टेंशन तनाव ना हो, इसका ध्यान दें। कहीं कोई जल्दबाजी ना हो, कोई हड़बड़ी ना हो, कहीं जाने की हो तो ना करिए साधना। कोई भी साधना विधि जब भी आप कर रहे हो तो बिल्कुल समय लेके किया करें। अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति एक समर्पण भावना होनी चाहिए जब कोई साधना करते हो, और एक विश्वास होना चाहिए। कोई भी साधना, किसी भी मंत्र का जाप फलित तभी होगा जब हमें उसके प्रति विश्वास होगा। हम विषय को बहुत लंबा ना करते हुए हम अपने टॉपिक पर ही चलते हैं। आप बैठ जाएं या लेट जाएं, ज़मीन पर बैठ रहे हो तो किसी कुशा का प्रयोग कर सकते हैं जो ऊर्जा का कुचालक हो। अगर आप चेयर पर बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लेट के करना चाह रहे हैं तो भी इजी वे में मैंने समझा दिया, वैसे कर सकते हैं। अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर या अनाहत चक्र पर केंद्रित करें। आंखें आपकी हल्की सी बंद होनी चाहिए, ऐसे जैसे गुलाब की दो पंखुड़ियां आपस में स्पर्श करती हों। आपके होठ ऐसे बंद हों जैसे गुलाब की दो पंखुड़ियां आपस में स्पर्श करते हों। मन में कोई टेंशन, कोई तनाव नहीं है। वैचारिक जगत की कोई विचार अगर आ भी रहे हैं तो उनको रोक दीजिए, फोर्सली स्टॉप कर दीजिए और इस मंत्र का जाप करें। मंत्र क्या है? ओम क्री क्री ओ आम नमो नमः। ओम क्री क्री ओ आम नमो नमः। ओम क्री क्री ओ आम नमो नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। कितने बार जाप करना है? मात्र पांच बार। मात्र पांच बार इस मंत्र का जाप करने से पल भर में, क्षण भर में आपकी उदासी गायब हो जाएगी। आशा है मैंने भली भांति आपको समझाने का प्रयास किया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई संशय हो, कोई समस्या हो, कोई जानने की अनिच्छा हो तो आप हमारे WhatsApp पे मैसेज करके वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फ़ोन कॉल पे कॉल करके भी आप जान सकते हैं। और यदि आपके जीवन में कोई आर्थिक, कोई मानसिक या कोई शारीरिक समस्या हो जिससे आप पीड़ित हो, जिसका आप समाधान करवाना चाह रहे हो, तो आप बिल्कुल निराश ना हो। अपने तुरंत का खींचा हुआ फोटो हमारे WhatsApp पे मैसेज करें, मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके उचित सलाह दूंगा। आवश्यकता पड़ी तो यंत्रों के माध्यम से, तंत्रों के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से भी आपका समाधान करूंगा।
और यदि आप अपने घर बैठे सम्मोहन साधना, आत्म सम्मोहन साधना, चित्र वशीकरण साधना, दिव्य वशीकरण साधना, आभा मंडल दर्शन साधना, दिव्य ऊर्जा साधना, कामधेनु साधना, टेलीपैथी त्राटक व अन्य विद्याएं व अन्य साधनाएं सीखना है तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी भारतीय विद्याओं में, भारतीय साधनाओं में इतनी क्षमता है, इतनी दिव्यता है, इतनी भव्यता है कि वह विश्व की समस्त समस्याओं का समाधान पल भर में, क्षण भर में कर सकती है। और हमारे माध्यम से अपने घर बैठे अपने सभी प्रकार के लाइलाज समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद। राम राम।